अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी अंडा भुर्जी, बिल्कुल मुंबई की स्ट्रीट स्टाइल। तवे पे अंडा भुर्जी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी देखेंगे आज हम। तो उसके लिए मैंने तवे को पहले गर्म कर लिया। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी मैं इसमें। 2 अंडे की भुर्जी बना रही हूँ मैं इसमें, तो इसलिए 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें रफली चॉप्ड ऑनियंस डाल देंगे। और उसे भून लेंगे अच्छे से। दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं यहाँ पे मैंने, और एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया है। इसे भी रफली चॉप कर दिया है मैंने। प्याज जैसे ही हल्के गोल्डन होने शुरू हो गए, हमें इसमें टमाटर डाल देना है। ध्यान रखना है प्याज जलने नहीं देना है। अब मीडियम फ्लेम पे हम टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। चम्मच चलाते रहिए ताकि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब डाल देंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक। ये सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें अंडा फोड़कर डालेंगे। मैं डायरेक्ट अंडा डाल रही हूँ, आप चाहे तो साइड में एक बाउल में भी अंडे निकाल के उसे फेंट के डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडा डालने के बाद अपने हाथ को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, इसे मिक्स करते रहना है और अच्छे से कुक करना है जब तक अंडा अच्छे से पक ना जाए। दो से तीन मिनट इसे अच्छे से कुक कर लिया है मैंने मीडियम लो फ्लेम पे। अब हमारी अंडा भुर्जी रेडी है। कोरिएंडर लीव्स के साथ इसे गार्निश कर देंगे और पाव के साथ या गरम गरम चपाती के साथ इसे सर्व करेंगे। तो देखिए बनके रेडी है हमारी अंडा भुर्जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे वीडियोस को
देखते रहिए। थैंक यू।